शाहरुख खान बताएगा गरम है। आप देवी और सज्जनों, तो स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग में। आज है 11 जुलाई सुबह के बजे 7:30। कल रात को हम कावड़ लेके निकले तो थे, पर 12:01 सो गए थे। 12:01 सोचा तो था रात भर चल लेंगे, पर 12:01 के करीब सो गए। ज़्यादा दूर नहीं चल पाए, अचानक से वो क्या कहते हैं भंडारा मिला और वहाँ पर गर्म गर्म दूध मिली तो उसने असर कर दिया। कल हम पहला दिन था जब सोए, नहीं तो हमेशा बस लेटे रहते थे आंख बंद करके, नींद कभी नहीं आती थी। और कल पहला दिन था जो हम सोए, और आज सुबह 5:30 उठे, रेडी हो करके पूजा करके 6:00 हम चल पड़े। और अभी 1.5 घंटे हुए हैं, और 1.5 घंटे में अराउंड 5 किलोमीटर ही कवर किया है हमने, क्योंकि अभी तो पैरों की हालत ऐसी हो गई है इसकी भी और मेरी भी। पर बारिश कभी होती नहीं है, नॉर्मली नहीं होती ना, इतनी तो नहीं होती है इस टाइम पे कावड़ यात्रा के टाइम पे, पर इस बार हो गई। और बाकी सब ठीक, बस चल रहा है, बस चल रहा है। गाइस फिर से बारिश स्टार्ट हो रही है, फिर से रेनकोट पहनना पड़ेगा या फिर बैठना पड़ेगा। अब पवन की बारी है कावड़ लेके चलने की, और अभी हमने कुछ किया है, ये चप्पल है, अभी इसी चप्पल को हम चेंज करके चलेंगे। मैं नंगे पांव चलूँगा, पवन चप्पल पहन के, फिर मैं चप्पल पहन के पवन नंगे पांव, इससे पता क्या होगा पैर का टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि इतनी दूर चलते चलते पैर हद से ज़्यादा गर्म हो गया और सूज भी गया है थोड़ा थोड़ा। तो अब ये ट्रिक हमें एक खोले ने बताई कि पैर ठंडे रहेंगे तो सूजे के कम, लंबी दूरी के लिए सही है, पर पैर घिसेगे नीचे से ज़्यादा, तो दोनों चीज़ बराबर है, घिसेगा भी और सूजेगा भी, तो इक्वल दर्द दोनों तरीक़ों से होगा तो ज़्यादा बेटर है ज़्यादा दूरी के लिए। अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, ये टोल प्लाजा है और ये पवन है, पवन के पास चाय है, चाय के नीचे पन्नी है, पन्नी में 2 पन्नी है और पन्नी के नीचे एक और पन्नी है, उस पन्नी के अंदर हमारे चश्मे का डब्बा है, उसमें चश्मे है, उस चश्मे के अंदर माला है जो हम घर के लिए लेके जा रहे हैं, और क्या है, और पैसे है, और वो जो टेबल है वहाँ पर बीचों बीच दिख रहा है आपको, ये वाले टेबल पे ये हमारा कांवड़ है, और वो डाक कांवड़ है जो कि हरिद्वार की तरफ जा रहा है। और वो डाक कांवड़ वाला, डाक कांवड़ का पता है क्या होता है, डाक कांवड़ वाले जो होते हैं ना उनका रूल होता है कि रुक नहीं सकते, वो तो कंटिन्यूसली कई सारे लोग होते हैं और एक कांवड़ होती है छोटी सी बोतल टाइप की ना, बोतल की तरह होती है, और उसको लेकर कंटिन्यूसली भागते रहते हैं, चलते रहते हैं, और कंटिन्यूसली हर हर महादेव, और कंटिन्यूसली हर थोड़ी दूर पे वो चेंज करते रहते हैं बंदे को, बंदा चेंज होता रहता है, वो भागते रहता है, और कई बार इनका ना आपस में कॉम्पिटिशन होता है जो सबसे कौन सबसे कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो कंटिन्यूसली भागते रहते हैं, बाइक वाला उनको ओवरटेक करता है और फिर बाइक पर जो बैठे होते हैं वो उतर के फिर वो कावड़ लेके भागते हैं, तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहता है। आपको समझ में नहीं आएगा तो रेफरेंस के लिए मैं किसी और की वीडियो निकाल के डाल देता हूँ, और अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे की वीडियो डाल देता हूँ, या फिर हो सकता है मैंने रिकॉर्ड करी हो आगे चल के, क्योंकि ये डाक कवर वाले कब आएंगे वापस, 2-3 दिन में वापस आएंगे ना, तो 2-3 दिन में यहाँ से जाते हुए हमको दिखेंगे, हम पैदल जा रहे होंगे वो भागते हुए दिखेंगे हमें, तो वो मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगा अगले व्लॉग्स में दिखेंगे वो आपको। और यहाँ बाहर में बारिश हो रही है इतना तेज तेज बोला ना गाइस, हम लोगों का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है, पैर पहले पैरों ने जवाब दिया, अब दिमाग जवाब दे रहा है धीरे धीरे। देखो इधर कैसा माहौल है, ये चाय की टपरी है, ब्रेड पकौड़े समोसे वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी हमने एक पराठा लिया, एक पराठा 30 रुपये का, छोड़ो उनको पता है मैं शिकायत ही करता रहूँगा, तो ठीक है
मतलब घोड़ों को लूटा जा रहा है बहुत अच्छे से, पर क्या करें बारिश हो गई तो लूट रहे हैं सब, फायदा उठा रहे हैं। भाई ने तारीफ कर दी ले भाई। और अभी अभी बारिश बंद हुई, ये देखो कांवड़ कितना प्यारा है। और हमने फिर से वॉक करना स्टार्ट कर दिया है, अभी मैं नंगे पाँव हूँ और पवन चप्पल में कांवड़ के साथ। पता है वीडियो बनाते वक्त ना मुझे पता नहीं चलता है कि मैं थका हूँ और मैं तेज चलने लगता हूँ हर बार। और पता है क्या, लड़कियाँ भी वॉक करती है कांवड़ में, पता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़की होते हैं पर कई लड़कियाँ भी वॉक कर रही होती है। हाँ, ये जो गोली है ये इस पे चल रही थी रोड पे, मैंने बोला इन पे चलो, ये जो वाइट वाइट लगे हुए हैं इन पे आपका पैर नहीं छिलेगा। अब ये इस पे चल रही, बहुत अच्छे से चल रही है, इनको बहुत अच्छा लगा। पवन जितने को भी देखते हैं, जितने भी बोला और बोली होते हैं, सबको पवन बताता है इस पे चलने को। और मतलब एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है इस पे चलने से, ज़्यादा टाइम तक हम इस पे चल सकते हैं और जल्दी वो नहीं पड़ेंगे छाले, क्योंकि हम ऑलरेडी लेट निकले थे और हमने काफ़ी फास्ट फास्ट कंप्लीट किया है अभी तक। अब नहीं चाहते हम स्पीड कम हो जाए, इसी स्पीड से हमें जल्दी पहुंचना है, क्योंकि एक स्पेशल चीज़ है, मैं व्लॉग में नहीं बताऊंगा, इसीलिए पवन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 14 तारीख की रात तक पहुंचना है ना। हाँ। अब वो स्पेशल चीज़ इसके चेहरे पे स्माइल देख करके कोई कोई गेस कर सकता है। बता दूँ क्या व्लॉग में, बता सकता हूँ ना। हाँ। बता दूँ 15 तारीख को पवन की जो वाइफ है, मतलब मेरी भाभी, उनका नाम किरण है, उनका बर्थडे है। पवन का प्लान है कि बर्थडे से पहले पहुंचना है किसी भी हाल में, इसीलिए 14 की रात को पहुंचना ज़रूरी है। और 15 की सुबह को वैसे भी वो है, जल चढ़ेगा 15 की सुबह को, वैसे शाम में भी चढ़ेगा और 16 को भी चढ़ेगा। तो हमारे पास 16 तारीख तक का, 15 तारीख का पूरा दिन भी है, 16 को भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन पवन अपनी वाइफ के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए और बर्थडे को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए। कोई ऐसा लाइन होटल नहीं है जो भरा ना हो। ये वाला कांवड़ ना काफ़ी बड़ा होता है, और देखो यहाँ पे ना दो लोग पीछे और दो लोग आगे होते हैं, और ज़्यादातर बड़े कांवड़ के साथ एक पीछे भी। अभी जस्ट हमने छोटा सा ब्रेक लिया, पता है कितनी देर का, शाहरुख खान बताएगा कितनी देर का, 2 मिनट का ब्रेक। एक ये वाला कांवड़ जिसको दो लोग मिलके उठाते हैं, किसी भी कांवड़ का वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हर कांवड़ उठाने में कंफर्टेबल है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट तक, उसके बाद कांवड़ का वेट फील होता है, चाहे वो 100 ग्राम का ही क्यों ना, चाहे वो एक छोटी सी बोतल क्यों ना, वो भी कंधे पे रख के चलेगा तो 100 ग्राम का नहीं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, है ना। बहुत गर्म है यार, मिला भी नहीं पा रहा हूँ, इतना गर्म है। हमारा कांवड़ ये रहा बीचो बीच येल्लो वाला, और हमने अभी भंडारा खाया और थोड़ा सा हलवा भी, और हम निकल रहे हैं फिर से, हो सकता है फिर से बारिश हो, फिर से रेनकोट निकालना पड़े, फिर से धूप आए, फिर से गर्मी लगे। पम्म बोले, पम्म बोले, पम्म बोले। अब हम पहुंचने वाले हैं शिव चौक पे। शिव चौक यहाँ से तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे हमने अभी खाना खाया, पीछे जो शिविर लगाया, कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले 2 दिन हमारे जो खाने के खर्चे हुए शायद वो भी नहीं हुए होते अगर बारिश ना हुई होती तो, पर पहले 2 दिन बारिश की वजह से सारे शिविर का जो है ना प्रॉब्लम हो गया,
तो फिर वहाँ पे बहुत कम शिविर बचे तो हमको कोई मिला ही नहीं, तो बाहर से खाना पड़ा पहले दो दिन। लेकिन यहाँ पे जो है बड़े जो बड़े शिविर होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं। यहाँ से दिख नहीं रहा होगा शायद, येलो कलर का अगर दिख रहा हो तो मैं जूम करता हूँ, रुको, येलो कलर के दिख रहे हैं वो, उन्होंने त्रिपाल लगा रखे है और वाटर प्रूफिंग कर रखी है, इसलिए बाकी जो बड़े शिविर है वो अभी भी अच्छे से चल रहे हैं, वहाँ पे अभी भी अच्छी सेवा मिल रही है। जो छोटे शिविर है वाटर प्रूफ नहीं होते उनको प्रॉब्लम हो गई लेकिन। और अभी 6 किलोमीटर और चलेंगे फिर हमारा अगला स्टॉप होगा शिव चौक पे, और वहाँ पे हम थोड़ा सा लंबा रेस्ट लेंगे। अभी बजे दोपहर के 3 और आज हम मुजफ्फरनगर क्रॉस कर देंगे और फिर हमारे लिए दिल्ली के लिए बचेंगे लगभग 100 किलोमीटर, आधा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हमें कल और परसों और तरसों 3 दिन में 12, 13, 14 तारीख के रात तक वहाँ पहुँचना। शंकर भगवान की जय। मौसम में एक और बदलाव, अब एक्सट्रीम लेवल की ह्यूमिडिटी हो गई, एक्सट्रीम लेवल की ह्यूमिडिटी, गीला तो होना ही है चाहे बारिश से चाहे ह्यूमिडिटी से। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगे, हर महादेव। ये वाला घर देखो दोस्तों, इतना खूबसूरत घर है, बम बम। मुझे ऐसे चलते हुए ना खूबसूरत घरों को देखता हूँ ना मैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या पैर में दर्द है, या कंधों में दर्द है, या दर्द किसी भी प्रकार का, लगभग 1-2 किलोमीटर, 2 या 3 किलोमीटर, 2 या 3 किलोमीटर शिव चौक के लिए। चलते चलते ना पैर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, गर्म होने से मसल्स और वेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा सूजने भी लगते हैं और उनमें पेन होने लगता है। इधर शोर ज़्यादा है वैसे, तो एक काम करता हूँ जहाँ अच्छा साउंड मिलेगा वहाँ बोलूँगा, ओके ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि अभी मैंने चप्पल पहन लिया है, तो पता क्या होता है चप्पल पे चलते रहो पैर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, जो नसें होती है ना बोले तो वेंस, और जो मांस होता है ना बोले तो मसल्स फूल जाते हैं, पंप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा और उससे पेन होने लगता है, और जो माइक्रो लेवल की वेंस होती है ना वो भी फटने लगती है जिससे दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और लॉन्ग रूट है हमारा, उस हिसाब से हमने ऐसा प्लान बनाया है कि चप्पल पहनेंगे और नंगे पाँव चलेंगे, नंगे पाँव चलेंगे पैर ठंडा होगा क्योंकि बारिश हुई है ज़मीन ठंडी है, तो इस तरह से ठंडा और गर्म एक नॉर्मल टेम्परेचर बना के रखेगा पैर का। और दिल्ली भी चलना है, हमारा पहली बार है, कई लोग हैं जो हमसे स्लो है, कई लोग हैं जो हमसे काफ़ी फास्ट है, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो सबसे पहले पहुँचना है मतलब वही 14 तारीख की रात तक, ताकि 15 तारीख को इसके लिए बता चुका हूँ मैं व्लॉग में ऑलरेडी। ये पूछ रहे व्लॉगर है क्या? हाँ भैया व्लॉगर है, व्लॉगर है। हर चाय पीने वाले का सपना इतना बड़ा चाय का पतीला देखने का होता है। 2 किलोमीटर दूर है और पैरों की हालत ऐसी हो गई है ना, वो आलिया भट्ट नहीं बोलती रोते हुए, मुझे घर जाना, मुझे अपने घर जाना है। देखो दोस्तों ये शिविर है, हम यहाँ रुके हुए थे और हमने यहाँ पे आराम किया, और अब ये दीपक गया नहाने, वहाँ पे हमारा कावड़ रखा हुआ है। Thank you.
पसीने का मन कर रहा है ये ना। तो हम शिव चौक से निकल चुके हैं, एक परिक्रमा हमने कर ली थी, आज है 11 जुलाई। खुद बोल बोल के व्लॉग में रिपीट करता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि आज क्या डेट है। और टाइम हो रहा है अराउंड 9 बजने वाले हैं, एक दो मिनट है 9 बजने में। और अभी हम अभी दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है, एग्जैक्ट 100 किलोमीटर। तो दोस्तों ये मशीन पे हम दोनों ने अभी लेग मसाज लिया, काफ़ी आराम फील हो रहा है। 2 किलोमीटर के लिए इनफ है, इतनी रश। और हर शिविर पे ऐसे चार्जिंग पॉइंट भी होते हैं, और मेडिकल कैंप इसके पीछे है, और ऐसे मसाज भी होता है, और ऐसे बेड होते हैं, अच्छा इंतज़ाम होता है। तो कई जगह अपने वहीं के, तो मैंने आते ही बोला था तेरे को, तूने सुना नहीं था तभी। अरे वो जो मसाज कर रहे हैं वो मेरे लिए के। आओ सेवा शिविर है वो, चलता फिरता देख। रात के 11:45 रात के 11:45 रात के 11:45 हो चुके हैं। आज है 11 जुलाई जो कि अभी 15 मिनट में 12 जुलाई हो जाएगी, और हम सुबह 6 बजे चलना स्टार्ट कर चुके थे और अभी तक चले जा रहे हैं। और जैसे ही हमें कोई अच्छी जगह मिलेगी हम सो जाएंगे, अगर हमें नींद आ रही होगी तो। हाँ अभी वो रोटी बना रहे हैं, इसके बाद वो चाय बनाएंगे। और कोई यहाँ पे चाय एक भी किसी ने भी नहीं ऑर्डर किया, तो बस वो एक कप चाय बना के देंगे मुझे, और फिर मैं पीऊँगा। और फिर पवन उधर कहीं सो रहा है, उसको उठा दूँगा, और फिर हम दोनों इधर से होते हुए निकल जाएंगे सीधा। तो ऐसा है कि मेरे जो पैर है ना, इन्होंने जवाब दे दिया, और जवाब कहा है कि नहीं आई हैव अ गर्लफ्रेंड, कुछ भी बोल रहा हूँ। तो फिलहाल हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर शिविर है, ये शिविर है, यहाँ पे सारे कावड़ों ने अपना लगाया कावड़, और अंदर शिविर है जो कि पूरी तरह से एकदम हाउसफुल है, बिल्कुल भी जगह नहीं है। उसके अलावा उसके बाहर में एक जगह है जहाँ पे हम सो सकते हैं, थोड़ी सी जगह है। एक यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, वो पीछे की साइड जो दिख रहा है वहाँ पे हम जाके सो सकते हैं आराम से, वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जगह है। और एक मेरे को जो फेवरेट मेरा ऑप्शन लगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट है तो नींद अच्छी नहीं आएगी, लेकिन ये जो दुकान है ना इसके सामने अच्छे से सो सकते हैं, बस उबड़ खाबड़ है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा शीट्स बिछानी पड़ेगी जो कि हमारे पास है। और वाटरप्रूफ है कि नहीं इसका भी थोड़ा आइडिया लगाना पड़ेगा वहाँ की मिट्टी को चेक करके, तो देखते हैं कहीं ना कहीं सो जाएगी। बाकी गुड नाइट।